नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हम अंधविश्वास लोगों पर इस कदर हावी हो गया है कि आप देखते हैं बहुत सी ऐसी घटनाएं आजकल हो रही हैं, बहुत से ऐसे नए बाबा आ रहे हैं जो अपना आडंबर करके लोगों को फंसा लेते हैं और गोली खा दी जनता उनके झांसे में आ जाती है। और ऐसे हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई है और कुछ जगह पर अंधविश्वास को लेकर बहुत सी परंपराएं भी चलती आ रही हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है उड़ीसा के एक गाँव में बालासोर में, क्योंकि वहाँ पर दो एक लड़की और एक लड़का जिनके जब कहते हैं कि जब छोटे बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं तो वो नीचे से निकलना शुरू होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हुआ क्या, जो छोटे बच्चे थे उनके दांत पहले ऊपर वाले दांत निकल के आए और उसके बाद लोहे से एक बुरी आत्मा से इसको जोड़ दिया। और एक अंधविश्वास के तहत उन्होंने माना कि अगर ऐसा होता है बच्चों के साथ, अगर पहले ऊपर के दांत निकल के आ जाते हैं तो बुरी आत्मा में फंसाया होता है। इसके बाद उन्होंने इलाज क्या खोजा कि एक कुत्ता और एक डॉग, हाँ एक फीमेल डॉग और एक डॉग के साथ इन दोनों बच्चों की शादी करा दी जाती है। इसमें एक लड़की है और एक लड़का है, इन दोनों की कुत्तों के साथ शादी हो जाती है। और 11 साल के हैं तपन जिनकी फीमेल डॉग से शादी होती है और 7 साल की लक्ष्मी है जिनकी मेल डॉग से शादी करा दी जाती है। और ऊपरी जो जबड़े में पहले दांत आए हैं उसको लेकर अंधविश्वास की परंपरा यहाँ पर चल रही है। कुछ लोगों को इस दौरान खाना भी खिलाया गया और काफ़ी भीड़ उस दौरान इकट्ठा हो गई थी। ये जो समुदाय है मानता है कि इसकी जो पुरानी मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई अपशगुन हो जाता है तो शादी होते ही अगर से फीमेल डॉग से लड़के की शादी करा दी गई है तो वो जो उसकी बलाएँ हैं, जो बुरी नज़र है या जो अपशगुन है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और इनके जो कष्ट हैं वो टूट जाएंगे। हालांकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हिंदू धर्म में भी होती हैं। हमने देखा है कि किसी को कहा जाता है कि वो मंगल किसी पर भारी है या राशियों का भी फर्क होता है, उसको लेकर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अंधविश्वास में और इन सब चीज़ों में बहुत फर्क होता है। आपको समझना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कैसे रिएक्ट करती हैं जब लोग ये सब सुनते हैं। खैर, इस पर आपका क्या सुझाव है, क्या राय है, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा।